अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास आज हम पढ़ने लगे हैं 5 क्लास का मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने लास्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 5 सी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड आज अपनी कुछ और प्रॉब्लम्स करने लगे हैं, जो कि आपको पेज नंबर 95 पे आपको गिवन है। स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक टेबल है हमारे पास, डाइनिंग टेबल, उसकी लेंथ जो है वो 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर है, ठीक है। और हमने उसके जो दोनों तरफ कपड़ा हैंग किया, क्लॉथ हैंग किया है, हमने उसकी बतानी है कि कितना क्लॉथ उसको रिक्वायर्ड है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आ जाए लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल, लेंथ हमने बतानी डाइनिंग टेबल की, तो हम 3 मीटर हमें बुक में गिवन है, तो हम सेंटीमीटर में उसको चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई किया है। आ जाए आगे टेबल का क्लॉथ जो है, क्लॉथ का जो पूरे जगह पर टेबल पर लगा हुआ है कपड़ा, वो कितना है दोनों साइड पर 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक साइड का हमने कपड़ा रखा है प्लस डाइनिंग टेबल की लंबाई रखी है प्लस हमने जो रखा है वो दूसरी तरफ का कपड़ा हैंग किया हुआ है वो रखा है, तो हमने इन सबको क्या करेंगे, उन्होंने टोटल कितना कपड़ा लगा है, तो आपको पता है कि टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो मैंने इन सबको प्लस किया तो 340 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। मैंने सेंटीमीटर में से मीटर को सेपरेट कर दिया तो 340 सेंटीमीटर आ गया। स्टूडेंट्स अगर आप खाली 340 सेंटीमीटर लिखते हैं या 3 मीटर प्लस आकर के अगर आप 40 सेंटीमीटर लिखते हैं, दोनों शब्दों में आपका आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट एक फातिमा है लड़की, उसकी जो शर्ट की लेंथ है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, और उसको जो है ना ट्वाइस यानी कि डबल कपड़ा रिक्वायर्ड है, उसको उसकी शर्ट की लंबाई 80 सेंटीमीटर है लेकिन उसको डबल कपड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस के लिए 2 से हमने 80 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 160 आंसर आ गया। टोटल लेंथ उन्होंने पूछे कितनी भी हो जाएगी, तो हमें पता चल गया 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आप इसमें से 160 में से अगर आप मीटर को सेपरेट करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर को आप सेपरेट कर देंगे तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल आंसर है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक लेंथ दी गई है स्ट्रिंग की, कितनी है 30 मीटर, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग यानी कि कितनी स्ट्रिंग्स की तादाद है हमारे पास 10 है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, उन्होंने पूछा कि टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हमारे पास लेंथ होगी स्ट्रिंग्स की, तो हम 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 3 मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों शब्दों में हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे डी पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास का गिवन है वैल्यूज, ये हमारी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, 80 सेंटीमीटर चेयर्स हैं और 3 मीटर बेंच है, और 80 सेंटीमीटर क्या है चेयर्स है, उन्होंने कहा कि टोटल स्पेस कितनी लगेगी क्लास में, एक क्लास में 80 सेंटीमीटर में चेयर हैं, 3 मीटर पर बेंचेस हैं और 80 सेंटीमीटर पर फिर चेयर पड़ी हुई है, तो कहते हैं कि एक कमरे में एक रूम में कितनी हमें जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड होगी, कितनी ऑक्यूपाई करेगा कमरा, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सबको आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो हम मीटर में इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इन दोनों की वजह से, तो 300 आ गया। अब दोनों के क्योंकि यूनिट सेम हो चुके हैं तो हमने इसको प्लस किया तो 460 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब 4 मीटर और 60 सेंटीमीटर को मैंने सेपरेट कर लिया तो मेरे पास ये आंसर बन गया। बुक में आपको इस तरह गिवन है आंसर, जबकि दोनों सूत्रों में आंसर आपके ठीक है। अपनी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स एक हमारे पास सिटी है, ए सिटी जो है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, सिटी बी को बी से, सिटी सी को सी से हमने रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने बताया है कि ए सिटी बी से जो ए है ना सिटी, हमारे पास दूसरा शहर जो है वो 55 किलोमीटर और 307 मीटर फासले पर है, दूसरा सिटी जो है हमारे पास सिटी सी वो बी से कितने फासले पर है, 37 किलोमीटर और 50 सेंटीमीटर के मीटर के फासले पर है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा कि आपने बी से दोनों का डिफरेंस बताना है, दरमियान में एक शहर है और एक साइड पे है और एक इस साइड पे है, हमने जो दरमियान में हमारे पास सिटी है हमने उसके लिहाज से उसका भी फासला बताना है, उसका भी बताना है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, किलोमीटर को यूनिट लिखेंगे और मीटर का यूनिट लिखेंगे, दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम माइनस करेंगे तो हम बताएंगे कि वो कितने फासले पर दोनों एक दूसरे से वाक्य है, 17 किलोमीटर एंड 857 मीटर के फासले पर है। स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी वर्ड प्रॉब्लम।